नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो रेलवे स्पेशल साइंस की जो क्लास चल रही है उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा 32वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 31 वीडियो बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। इसके तरह यहाँ पर ऊपर से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई का बटन दे रखा है। जिसे आप आई के बटन पर क्लिक करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे खुल जाएगी। हमारा सारे वीडियो जितने भी अभी तक आए हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वही प्रश्न है जो 4 से 5 सालों में रेलवे द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है, ग्रुप डी, ALP, RPF, NTPC, उनमें पूछे गए हैं। वही साइंस के प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं हर वीडियो के अंतर्गत पिछले वीडियो से 2 से 3 प्रश्न रिपीट भी करता हूँ, जो वही प्रश्न होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपका रिविजन हो जाए। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूँ, डेली की तरह अपने अपने RRB जोन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आखिर आपको ये बताना है कि जो आज के 25 प्रश्न हैं साइंस के, उसमें से आपको कितने मार्क्स आए, जितने भी मार्क्स आए 19, 20, 21, जितने भी मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वह निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाराजस्ता। किसे अमलगम कहते हैं? पाराजस्ता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। आपको बताना है कि जो बादल वायुमंडल में तैरते हैं उसका कारण क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एक्सप्लोसिव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। जबकि TNG, TNT और पोटेशियम क्लोराइड, ये तीनों ही विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा तो डेली की तरह फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं एग्जाम गुरु को। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नया है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। आपने देखा होगा कि जो बूंद रहती है, पानी की बूंद, वो गोलीय आकार धारण कर लेती है, उसका कारण क्या है। इसका आपको वैज्ञानिक कारण बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण गोलाई धारण कर लेती है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच मीटर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक व्हीटले। किसने किया था? फ्रैंक व्हीटले ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण में निम्न में से कौन तय करता है? आपको बताना है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन क्या है? आपको बताना है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोह आवश्यक है, लोह किस लिए आवश्यक है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, ये भी सही है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये भी सही है। शरीर के उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए लोह आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। कैसी होती है? सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ही पॉजिटिव होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकवेरल। किसने किया था सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग? हेनरी बैकवेरल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? किस कलर का दिखाई देगा?
इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी हरा रंग का। अगर हम लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हरा रंग का दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, आपको बताना है कौन सा कारक है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियां ही प्रकृति के संतुलन को तय करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो किसका महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का। आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी सेक्सिकोल्स। क्या कहते हैं, हम सेक्सिकोल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, क्या है हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है कितना होता है लगभग। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए 0.007 mm। कितना होता है लगभग, 0.007 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी किया गया है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो कौन सा अंग करता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी यकृत। कौन करता है, यकृत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। बहुत बार रिपीट भी किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। देखिए, और जबकि सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, नाभिकीय संलयन से। चलिए सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी आधी रह जाती है। जब भी केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाता है तो उसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रेलवे स्पेशल साइंस, जो कि NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस की, मैंने उसके अंतर्गत आपको 3200 नंबर का वीडियो बताया। इसके पहले की 31 वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई का बटन देखा, आई के बटन पर क्लिक करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको, कितने मार्क्स आए हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, साथ ही अपने RRB जोन का नाम भी लिख दिया, जिससे ये पता पड़ जाए कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट नया है, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।